गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग जा रहे हैं लॉगिन स्क्रीन का यूआई बिल्ड करने यूजिंग कीवी। तो मैंने आपको ऑलरेडी दो वीडियो बना के दे चुका हूँ कीवी में, कीवी सेशन में, राइट। तो कीवी वाला जो सीरीज़ है उसमें मैंने इंस्टॉलेशन और कैसे जो बेसिक पार्ट है, जैसे डेमो होता है ना, बेसिक्स कीवी का, बेसिक जो है क्या क्या विजेट है कीवी में, वो सब बताया हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ जो कीवी में, आप कीवी से अगर ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा ये, और आप एक बहुत गुड लुकिंग यूआई बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आपको अपना जो फोल्डर है, एक प्रोजेक्ट क्या कहते हैं प्रोजेक्ट फोल्डर बना लीजिए। मैंने यहाँ पे एक लॉगिन ऐप करके बना के रखा हूँ प्रोजेक्ट फोल्डर, इसको मैं क्या कहता हूँ ओपन विथ कोड, वीएस कोड से हम लोग इसको ओपन कर लेंगे, राइट। तो वीएस कोड से इसको ओपन कर लेंगे हम लोग, उसके बाद राइट। तो वीएस कोड से ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो होगा तो हम लोग अपना टर्मिनल क्या कहते हैं टर्मिनल के थ्रू जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसको एक्टिवेट करेंगे एंड कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे जो आज मैं सिखाऊंगा, जिसके थ्रू मैं गुड लुकिंग या आप गुड लुकिंग यूआई बिल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैक जाते हैं जहाँ पे हम लोग का वर्चुअल इन्वायरमेंट है, कीवी वर्चुअल इन्वायरमेंट करके मैं रखा हूँ यहाँ पे, राइट। सो कीवी वी एन बी स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, उसके बाद एक्टिवेट कर देते हैं, इससे हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ इस स्क्रीन को ताकि आपको बढ़िया से दिखे, राइट। ऑलमोस्ट दिख ही रहा होगा बट एनीवे थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ तो ताकि और बढ़िया से दिखे, राइट। तो अभी यहाँ पे हम लोग का जो है इस यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब हम लोग को वहाँ पे जाना होगा अपने, उसके बाद फिर लॉगिन ऐप, राइट। लॉगिन ऐप में जाके करंट डायरेक्टरी में आ जाना है। अब हम लोग को क्या करना होगा, राइट। तो सबसे पहले दो फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेना होगा, यहाँ पे एक मेन डॉट पी वाई जहाँ पर हम लोग अपना पाइथन का स्क्रिप्ट लिखेंगे, उसके बाद एक और फाइल हम लोग क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम होगा माई ऐप डॉट केवी। तो ये एक और फाइल है जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, केवी इन द सेंस एक ऐसा फाइल है जहाँ पे हम अपना लेआउट डिफाइन करेंगे। जैसे एंड्रॉयड सीख रहे हैं तो एंड्रॉयड में क्या होता है, एक अलग से एक्सएमएल फाइल होता है और मेन डॉट जावा करके होता है, उसमें हम लोग जावा कोड लिखते हैं। तो एक्सएमएल फाइल में जो होता है हम लोग उसका लेआउट बिल्डिंग करते हैं, स्क्रीन का लेआउट बिल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग एक विडजेट, खुद का विडजेट बना के इसको बिल्ड कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग वो भी आज सीखेंगे क्या क्या विडजेट होते हैं और क्या क्या स्क्रीन है। तो मैं आज जो बताने वाला था गाइस होता, उससे पहले अगर जो आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, धीरे धीरे से चैनल को बहुत सपोर्ट मिल रहा है और आप भी सपोर्ट करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, ताकि मैं एक बढ़िया सा होता ना, जब हम लोग का 1000 सब्सक्राइब हो जाता तो स्टोरी मिल जाता है देने को, तो स्टोरी में डालता रहूँगा, बढ़िया बढ़िया चीज़ डालता रहूँगा, राइट। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्लीज़ दबाइए ताकि नए नए अपडेट्स मिलते रहे इस चैनल से। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना के रखी हैं, प्लीज़ उसको देखिए और सपोर्ट करते रहिए। तो गाइस हम लोग आज मैं बात करने वाला हूँ एक नया चीज़ जो है, वो हम लोग सीखेंगे मटेरियल डिज़ाइन के बारे में। तो कीवी में भी मटेरियल डिज़ाइन आ चुका है, मटेरियल डिज़ाइन आपको पता ही होगा आई होप। मटेरियल अगर जो नहीं मालूम है तो मटेरियल डिज़ाइन का जो मेन कंसेप्ट है उसको एक लुकिंग गुड लुकिंग यूआई को, जैसे नॉर्मल जो यूआई होते हैं उनको गुड लुकिंग यूआई देने का काम मटेरियल डिज़ाइन का होता है। इनके पास बहुत सारे कंपोनेंट ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, तो कीवी के लिए भी ये लोग ऐसा लाइब्रेरी बना दिए जहाँ से हम लोग कीवी के लिए भी हम लोग अपना काम कर सके, मटेरियल डिज़ाइन यूआई यूज कर सके, जैसे बटन होता है, ड्रावर होता है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो बस कीवी एमडी सर्च करते हैं एक बार, कीवी एमडी, राइट। कीवी एमडी है क्या, उसके बारे में भी पता चल जाएगा। तो कीवी एमडी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, कीवी मटेरियल डिज़ाइन बेसिकली एक ऐसा लाइब्रेरी है जहाँ पर हम लोग अपना गुड लुकिंग यूआई बिल्ड कर सकते हैं, इनका जो भी कंपोनेंट है वो इसको यूज करके, राइट। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में दूंगा, बाकी आप जाके पढ़ सकते हैं, इसके बारे में बढ़िया सा डॉक्यूमेंटेशन है। तो मैं जस्ट इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, उसके बाद इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल पेज है यहाँ पे दिखा रहा है, इतना बढ़िया सा यूआई, राइट। जैसे हम लोग प्लॉटर से बना सकते हैं, एंड्रॉयड से बना सकते हैं, वैसे भी यहाँ पे भी बना सकते हैं हम लोग का। ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपोनेंट जितने भी हैं, थीम और कंपोनेंट जितने भी हैं, सब सारे यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक गुड लुकिंग यूआई के साथ हम लोग अपना एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं पाइथन के थ्रू, राइट। तो आप इसको जाके देखिए और कंपोनेंट के बारे में देखिए, कौन कौन से कंपोनेंट आपके लायक हैं और कौन कौन से कंपोनेंट कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये था कीवी एमडी, अब इसको इंस्टॉल करना होगा फर्स्ट। तो कैसे इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, पिप इंस्टॉल कीवी एमडी, राइट, कीवी एमडी।
इसको क्लिक करते ही आपका की VMD यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ तो इसलिए मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल करके दिखाएगा, आप में नहीं होगा तो इसमें आप सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम लोग इसको कर चुके राइट, तो आप लोग क्या करते हैं हम लोग राइट, इसको क्लियर करके अपना काम पे आ जाते हैं। मेन चीज़ है कोड लिखना राइट, तो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। अब हम लोग एक लॉगिन स्क्रीन बिल्ड करने वाले हैं। लॉगिन स्क्रीन में क्या क्या होता है, बहुत सारे विजेट यूज़ कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे चीज़ सीखने पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना मेन डॉट पी वाई जो है उसको बिल्ड कर लेते हैं। मेन डॉट पी वाई में हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम की वी राइट, की वी जो अभी हम लोग किया है की वी एम डी, उसके अंदर भी एप है राइट, तो की वी एम डी डॉट एप करके फाइल है, वहाँ से उठाओ, क्या उठाओ, एम डी एप उठाओ राइट, एम डी एम डी एप होता है, वहाँ पे क्लास है उसको उठाओ, निकालो, वहाँ से इंपोर्ट कर लो और इस फाइल में यूज़ करना है। अब उसी एप को हम लोग क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे, तो अपना खुद का क्लास बना लेंगे, क्लास माई एप, उसको इनहेरिट कर लेंगे एम डी एप राइट। तो जितने भी प्रॉपर्टी है इस एप्लीकेशन के हम लोग इसके थ्रू पा जाएंगे राइट, इनहेरिट कर रहे हैं। तो अब लोग हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्ड करेंगे, जब बिल्ड एक फंक्शन लिखेंगे जो सेल्फ कीवर्ड है, इसमें कोई कीवर्ड की काम जरूरत नहीं है, जस्ट खाली है एम्प्टी है, क्लास की वजह से हम लोग सेल्फ डाल रहे हैं। अब इसको रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे पास मोर देन वन की भी फाइल है तो हम लोग को नेम स्पेसिफाई करना होता है, हमारे पास एक ही फाइल है बाय डिफ़ॉल्ट उसको रिटर्न कर देता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, बस हम लोग रिटर्न लिखते ही ये की वी फाइल जो है हम लोग का के वी फाइल राइट, नॉट की वी माई एप डॉट के वी फाइल जो है रिटर्न बैक हो जाएगा, यहाँ पे उसी को हम लोग को एज अ स्क्रीन दिखाएगा राइट। अब इसको क्या करते हैं, इफ़ नेम इक्वल टू भी हम लोग रन कर सकते हैं और डायरेक्टली वी कैन रन इट राइट, माई एप ऑफ डॉट रन, आप ए रन जो मेथड है ये इसके अंदर है, एम डी एप के अंदर है राइट, तो उसको हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं। इनहेरिट करते वक्त हम लोग उसका जो भी प्रॉपर्टी है जहाँ पर आ जाता है, इसको हम लोग अपना मेन डॉट पी वाई का काम कम्प्लीट कर लिए हैं। अब क्या करना होगा, हमको अपना एम डी स्क्रीन जो है उसका क्या कहते हैं, सॉरी हम लोग का जो स्क्रीन है उसके ऊपर काम करना होगा। तो स्क्रीन में क्या क्या होगा, एक स्क्रीन होगा, बैकग्राउंड स्क्रीन होगा, उसके बाद कार्ड हम लोग रखेंगे, कार्ड के ऊपर इमेज रखेंगे, लेबल रखेंगे, रखना होगा तो उसके बाद टेक्स्ट फील्ड रखेंगे, उसके बाद रोमेट बटन रखेंगे, तो इतने सारे विडजेट हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे राइट। तो लेट्स डू इट गाइस, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक लॉगिन स्क्रीन बिल्ड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा दूँ क्या क्या हमारे पास बहुत सारा विडजेट है, बहुत सारे कंपोनेंट है एम डी, क्या कहते हैं की वी एम डी में, आप जाके उसके कंपोनेंट के बारे में सर्च करिए, देखिए कौन से आप कौन सी कंपोनेंट आपके काम आएगा, उस हिसाब से आपका प्रॉपर्टी वहाँ पे उसका डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करेंगे तो सबसे बेटर क्लियर आइडिया मिल जाएगा उसके बारे में राइट। तो लेट्स वेट गाइस, हम लोग को पहले क्या करना होगा, एम डी स्क्रीन चाहिए हम लोग राइट, तो एम डी स्क्रीन चाहिए। अब एम डी स्क्रीन मिल गया राइट, एम डी स्क्रीन मिल गया, इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसका एक प्रॉपर्टी है, उसका प्रॉपर्टी का नाम है एम डी बी जी कलर, कलर हम लोग को इसको डिफाइन कर सकते हैं, जो कलर रिंग रहेगा इसका वो आर जी बी फॉर्मेट रहता है, तो हम लोग कलर चूज कर सकते हैं आराम से। तो कलर चूजर करके यहाँ पे होगा, कलर चूजर करके यहाँ पे सर्च कर लीजिए, सॉरी यहाँ पे दूसरा खुल गया, यहीं पे हम लोग खोल लेते हैं और यहाँ पे आरजीबी का वैल्यू जो आएगा वहाँ से उठा लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा नीला, ओके ये वाला उठा लेते हैं कलर राइट। तो हम लोग मिल गया यहाँ 79.99194 है, इसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको दे देंगे और बाई 255 पिक्सल वाला जो होता है, होल पिक्सल जो होता है उनको कॉपी करके यहाँ पे ऐसे बाई कर देंगे राइट। तो यहाँ पे हम लोग 255 कर देंगे स्लैश 255 आउट ऑफ दिस 255 राइट। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी का एक होता है वैल्यू, वो ट्रांसपेरेंसी हम लोग पास करेंगे, खुद दिखाओ। उसके बाद हम लोग का एम डी स्क्रीन मिल गया, इसको हम लोग एक बार रन कर लेते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है राइट। तो क्या करना होगा कि मेन डॉट पी वाई है ना, पाइथन मेन डॉट पी वाई करके यहाँ पे रन कर लेते हैं एक बार, देखते हैं ये खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, उसी कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अभी खुलने ही वाला है, लेट्स सी वैसे ही बैकग्राउंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वाह, तो गैस यहाँ पे देख सकते हैं वैसे ही बैकग्राउंड मिल रहा है हम लोग को, हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं, बस हम लोग बैकग्राउंड दिए हैं इस स्क्रीन का। अब इस स्क्रीन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कार्ड बनाएंगे, उस कार्ड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे विडजेट, बहुत सारे इन द सेंस जो भी विडजेट हम लोग को काम चाहिए राइट, हम लोग को एक लॉग इन स्क्रीन बनाने के लिए जो भी चाहिए वो हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे। तो अब हम इसको क्लोज करते हैं और जल्दी जल्दी अपना काम कर लेते हैं। अब मैं बोला कि यहाँ पे एक कार्ड है, कार्ड आप जो भी कंपोनेंट यूज करना चाहते हैं प्लीज़ की वी एम डी के डॉक्यूमेंटेशन में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाके वहाँ पे सर्च करिए आपको कौन सा चाहिए, क्या चाहिए, एक्चुअल में कार्ड चाहिए तो कार्ड सर्च करेंगे वहाँ पे आ जाए कंपोनेंट, और कार्ड कैसे यूज करना वहाँ पे वो बता देगा सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन। तो कार्ड के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको पता नहीं है क्या क्या चीज़ हम इसके अंदर रख सकते हैं, तो प्लीज़ उसका की वी एम डी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसको फॉलो करिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसके बारे में राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, एम डी कार्ड, इसमें भी एम डी कार्ड का जो है कलर हम लोग दे देते हैं ऐसे ही राइट, उठा के ऐसे ही।
अब मैं चाहता हूँ इसका जो कलर हो, यहाँ पे टैब आइडेंटिफिकेशन का बहुत ही मैटर करता है, यहाँ पे कहीं पे भी आइडेंटिफिकेशन एरर नहीं होना चाहिए, राइट, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको वाइट कर दूँगा, इस कार्ड को मैं वाइट कर दूँगा, राइट, पूरा दे दूँगा वन वन, तो ये पूरा वाइट हो जाएगा मेरा कार्ड जो है, उसका कार्ड का जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो गया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक होता है, अब हम लोग क्या करेंगे, साइज होता है, साइज हिंट देना है, साइज का हिंट देना है। तो साइज अभी हम लोग जो है इसको नॉन कर देते हैं, राइट, नॉन कर देते हैं, उसके बाद फिर इसको भी नॉन कर देते हैं, एक्स एक्स एंड वाई एक्सिस का। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, पोजीशन होता है, पोजीशन हिंट, राइट, पोज हिंट, राइट। पोज हिंट में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग एक पास करेंगे डिक्शनरी फॉर्मेट में, तो सेंटर करके होता है, सेंटर CNTA सेंटर एक्स, एक्स एक्सिस का सेंटर कहाँ तक ले जाना है, सॉरी ऐसा नहीं है, ऐसा है सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स आपको पता नहीं है कैसे यूज करना है, तो प्लीज़ इसका जो होता है एक्चुअल का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके बारे में समझिए, वहाँ पे कैसे यूज किया वही यूज़ करिए, वही मैटर एकदम ईजी है, आप समझ जाएंगे। तो इसका डॉट फाइव मतलब आधा ले जाओ, आधा ही एक्सिस पास करो, और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं सेंटर वाई भी, वाई एक्सिस में भी मतलब सेंटर पर ले जाना है हमको, राइट। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं डॉट फाइव, राइट। तो अब लेट्स सी आता है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, अगर जो अपना कार्ड आ रहा है स्क्रीन पे तो सही है, उसके आगे काम कर लेंगे हम लोग अभी जल्दी जल्दी। वाओ, तो आप देख सकते हैं एक कार्ड आ गया, सेंटर में आ गया, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका साइज़ डिफाइन कर देंगे, हम लोग के पास ऑलरेडी आ चुका है सब कुछ, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइज़ डिफाइन कर देंगे, राइट, साइज़ में दे देंगे हम लोग यहाँ पे, एक साइज़ का एक प्रॉपर्टीज है जिसमें हम लोग विड्थ एंड हाइट करके होता है, तो विड्थ हम लोग 320 दे देते हैं, उसके बाद 550 देते हैं इसमें हाइट, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं 20, उसके बाद स्पेसिंग जो होता है, स्पेसिंग दो इनके कंपोनेंट के बीच में जो स्पेसिंग दे देते हैं 30 दे देते हैं, राइट। तो ऐसा करके रखते हैं, अब चेक करते हैं क्या होता है, और जो इसका ओरिएंटेशन है, जो ओरिएंटेशन है, राइट, ओरिएंटेशन जो होता है इसका, हम लोग ओरिएंटेशन जो है इसका हम लोग कर देंगे वर्टिकल, वर्टिकल, राइट। अब हम लोग एक बार रन करते हैं, इसको देखते हैं कुछ चेंजेज हुए कि नहीं हुए, नहीं हुए तो फिर से हम लोग कुछ ना कुछ और करेंगे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ओके सॉरी, यहाँ पे ये चीज़ गड़बड़ है, जल्दी जल्दी करते हैं, झटाझट आज बिल्ड कर देना, वाओ गैस। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एलिवेशन यूज़ कर सकते हैं, एलिवेशन के बारे में आपको पता नहीं है तो आपको जाके इसका डॉक्यूमेंटेशन चेक करिए। एलिवेशन क्या होता है कि बॉक्स रहेगा, बॉक्स नीचे एक परछाई बन जाती है, शेप बन जाता है, लगता है कि कुछ वहाँ पे है, बढ़िया सा दिख रहेगा। तो एलिवेशन द एलिवेशन, राइट, एलिवेशन करके होता है, मैं 15 दे देता हूँ, इसके बाद मैं रन करता हूँ, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, एक बार फिर से मैं रन करता हूँ, एक बार देख लेते हैं इसको क्या है, कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा ही कहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ इसमें बैकग्राउंड करके दिखता है, लगा है कि वहाँ पे बॉक्स, राइट। तो हम लोग के पास ऑलमोस्ट बन चुका है, जो भी रेडी है हो चुका है, अब हम लोग को क्या क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए, तो इमेज के हम लोग बॉक्स लेआउट करके विजेट हो उसको यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम लोग इमेज डालेंगे, राइट। तो इमेज झटाझट उठा लेते हैं, इमेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, होता है अनड्रा करके एक वेबसाइट है, वहाँ से उठा लेते हैं, इलस्ट्रेशन वहाँ से है, वहाँ से एक इलस्ट्रेशन उठा लेते हैं, उसके बाद उसी इलस्ट्रेशन को हम लोग एक PNG के फॉर्मेट में सेव कर लेते हैं, और उसी PNG को हम लोग आज यहाँ पे दिखाएंगे, राइट। तो मैं कोई भी एक डेमो पर्पज़ के लिए मैं कोई भी उठा सकता हूँ, कुछ भी उठा सकता हूँ, मतलब इन द सेंस अभी हम लोग लॉगिन बिल्ड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे सर्च है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, लॉगिन करके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ये लॉगिन करके आपको दिखा देगा, ओके। तो मैं इसको उठा रहा हूँ, राइट, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इसी को हम लोग यूज़ करेंगे अपने एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले गाइस कहाँ पे हम लोग सेव किए हैं, कीवी ट्यूटोरियल में लॉगिन ऐप में, यहीं पे हम लोग को सेव कर देते हैं, लॉगिन ये ऑलरेडी PNG फॉर्मेट में है, राइट, तो PNG फॉर्मेट में सेव ही हो जाएगा, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कलर भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने UI के हिसाब से, अपने जो बैकग्राउंड है उसी हिसाब से आप कलर चेंज, मैं कुछ नहीं किया, मैं सिंपली इसको यूज कर लिया, राइट। तो इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ एक बार फिर से, और अब आ जाते हैं इसमें अपने पार्ट पे। तो MD कार्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, अब MD कार्ड मतलब कार्ड के ऊपर ही हम लोग एक बॉक्स लेआउट यूज़ करेंगे, बॉक्स लेआउट, राइट, बॉक्स लेआउट यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम लोग इमेज यूज़ करेंगे, इमेज जो विडजेट है वो सोर्स लेता है, सोर्स, अब सोर्स के लिए हम लोग पास कर देंगे सेम ही फाइल, आई थिंक यहाँ पे आपको दिख जाएगा लॉगिन डॉट PNG करके, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन डॉट PNG करके यहाँ पे है, लॉगिन डॉट PNG यहाँ पे कर देंगे, तब हम लोग का क्या हो जाएगा, ऐसा करने से हम लोग का यहाँ पे इमेज दिखने लगेगा, एक बार ट्राई कर लेते हैं आ रहा है कि नहीं इमेज,
उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, राइट। तो एक बार चेक कर लेते हैं इमेज दिख रहा है कि नहीं उस पर। वाओ गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं इमेज आने लगा है। अब उसके बाद अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं और उसके बाद जो भी पार्ट करना है हम लोग को, टेक्स्ट फील्ड यूज़ करना है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं बटन यूज़ करना है, तो दोनों चीज़ हम लोग कर लेते हैं, राइट। टेक्स्ट फील्ड एंड बटन, वो दो काम है। लेवल भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बार लेवल यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर सकते हैं, राइट। लेवल का यूज़ करना है तो लेवल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हाइट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, विड्थ डिफाइन कर सकते हैं, हाइट विड्थ डिफाइन कर सकते हैं। एक बार हम क्या करते हैं साइज, ओके छोड़िए, एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, अभी ऐसे ही रहने दीजिए। हम लोग इसके बाद आते हैं टेक्स्ट फील्ड पे आ जाते हैं, राइट। तो एमडी टेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड है, एमडी टेक्स्ट फील्ड राउंड, राइट। यहाँ पे राउंड करके राउंडेड वाला टेक्स्ट फील्ड मिल जाएगा हम लोग को। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट हिंट यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा, टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सब देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हिंट टेस्ट है, राइट। तो जो होता है उसके अंदर कि क्या डालना है उसके लिए हम लोग हिंट टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, हिंट टेक्स्ट करके है। आप, मैं रिकमेंड करूँगा आप जब भी यूज़ करें कोई वीडियो तो उसका सबसे पहले उसका डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करें, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ दिए होते हैं जो हम लोग को यूज़ करना होता है, जो आपको पसंद मतलब नहीं मालूम होगा तो वहाँ पे वहाँ से मिल जाएगा, आपको बढ़िया से मालूम हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, यूज़र नेम डाल देंगे, राइट। यूज़र नेम दे देते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, एक आइकन दे देते हैं। तो आइकन का है यहाँ पे प्रॉपर्टी आइकन राइट, राइट देना है तो आइकन राइट। उसके बाद इसका क्या कर सकते हैं, अकाउंट करके एक ACCOUNTY अकाउंट करके दे देंगे, राइट। इसका विड्थ हम लोग डिफाइन कर देंगे, कितना लंबा चाहिए विड्थ भी हम लोग डिफाइन कर देंगे, राइट। तो विड्थ हम लोग कितना दे सकते हैं, 220 कर दे और 250 कर दे, ओके 250 कर दे रहे हैं। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, यहाँ अभी हम लोग का ये चीज़ हो चुका है। और जो है फंड साइज, जो इसके अंदर का फंड साइज, राइट, फंड साइज जो होता है फंड साइज हम लोग इसको दे देंगे 20। उसके बाद फिर और क्या दे सकते हैं, अभी इतना रन करके हम लोग चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए यूजर नेम करके आने लगा, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलमोस्ट आने लगा, राइट, हम लोग का टेक्स्ट फील्ड जो है वो आने लगा। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और हम लोग ऐसा ही निकाल के एक और हम लोग एमडी टेक्स्ट फील करके उठाएंगे, उसके बाद यहाँ पे रख देंगे ऐसे कॉपी करके। अब यहाँ पे हम लोग इसको रख देंगे पासवर्ड, राइट, पासवर्ड इसको दे देंगे हम लोग आई ऑफ वाला एक आइकन दे देंगे, ईवाई ऑफ, आई ऑफ करके आइकन है, इसको भी हम लोग एक बार रन कर लेते हैं, फिर से देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। दोनों विडजेट आने लगे अब यहाँ पे। तो हम लोग अभी इमेज के साथ थोड़ा खिलवाड़ करेंगे, थोड़ा छोटा मोटा करके उसको ऊपर ले जाएंगे कैसे भी करके, राइट। तो अभी हम लोग का जो मेन पार्ट है उसको हम लोग रन कर ले रहे हैं, जो जो काम करना है उसको हम कर ले रहे हैं, राइट। अभी हम लोग को एक और चीज़ चाहिए जो है बटन चाहिए, राइट। तो बटन है हम लोग का क्या करना होगा, बटन के लिए एक और चीज़ एमडी करके है, एमडी राउंड करके राउंडेड वाला बटन यूज़ करना है, एमडी राउंड फ्लैट बटन, राइट। आप सब पा सकते हैं सब चीज़, जितने भी विडजेट है आप एमडी के की भी एमडी के डॉक्यूमेंटेशन में कंपोनेंट में जाके आप सब वहाँ पे पा सकते हैं, राइट। तो अब इसका भी वही है, वही है, यहाँ पे भी टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट में डाल सकते हैं, यहाँ पे ऐसा टेक्स्ट नहीं, ऐसा है टेक्स्ट में लॉगिन करके रख सकते हैं, राइट। उसके बाद इसका भी हम लोग क्या कहते हैं, इसका भी हम लोग अपना दे सकते हैं एमडी राउंड फ्लैट बटन, एक बार चेक करते हैं आया कि नहीं आया कुछ, तो मालूम हो जाएगा कितना देना है या नहीं देना है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, एमडी टेस्ट लॉगिन हो गया, उसके बाद हम लोग इसका पोजीशन भी डिफाइन करते हैं, सेंटर में होना चाहिए ना पोजीशन, क्या करते हैं पोज हिंट एक्स करके, एक्स एक्सिस का, राइट। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटर कर दे, पोज हिंट करके हम लोग सेंटर कर देते हैं, राइट। इसको पोज हिंट करके सेंटर कर देते, सेंटर एक्स, राइट। इसको क्या कहते हैं डॉट फाइव कर देते हैं। उसके बाद इसका फ्रंट साइज जो है, फ्रंट साइज जो है इसका हम लोग फ्रंट साइज जो है इसका 15 कर देते हैं। उसके बाद 15 करने के बाद अब चेक करते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, देख लेते हैं एक बार, कुछ आ रहा है अभी नहीं। वाओ, यहाँ पे बटन भी आ चुका है, टेक्स्ट फील्ड भी आ चुके हैं, राइट। तो हम लोग के पास ऑलमोस्ट जो भी चाहिए हमारे पास है। तो एक थोड़ा सा और यहाँ पे दे देते हैं स्पेस, दे देते हैं एक विडजेट बना के,
जैसे फ्लटर सीख रहे हैं तो वहाँ पे एक होता है साइज्ड बॉक्स करके विजिट होता है, वहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही यहाँ पे एक विजिट दे देते हैं, उसका हाइट दे देंगे तो नीचे से जगह थोड़ा और ऊपर हो जाएगा, राइट। तो हम लोग के पास ऑलमोस्ट बन चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे एक और विडजेट बना देंगे, विडजेट राइट, विडजेट बना देंगे, इसका हाइट दे देंगे HEIGST राइट, इसका हाइट दे देंगे हम लोग 20 और इसका जो साइज हिंट जो है Y नन कर देंगे, हम लोग के पास इसका साइज हिंट नहीं है, इसका X एक्सिस में ही है। तो करते हैं एक बार रन करते हैं, नीचे देखते हैं जगह आता है कि नहीं इसके नीचे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट हम लोग के पास नीचे एक जगह आ चुका है, और उसको थोड़ा सा और ऊपर कर देखते हैं, मैं इसको 30 कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है, सही से दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो आई थिंक अब सही दिख रहा है थोड़ा सा। तो हम लोग के पास इसका विड्थ जो है थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, इसका जो विड्थ है इसको 230 कर देते हैं, सही दिखेगा राइट, 230 कर दे रहे हैं, 230 करने पे थोड़ा सही दिखेगा। और जो पासवर्ड का बात है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिक्योर करके होता है, इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं राइट। तो अभी क्या कर सकते हैं हिंट राइट, अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ ऐसा है आइडिया राइट। तो हम लोग और क्या कर सकते हैं इसमें, एक बार रन करते हैं कैसा दिख रहा है, उसके बाद फिर आगे का काम करते हैं, देखते हैं, रुक जाइए। तो आई थिंक अभी इसका विड्थ कम हुआ कि नहीं हुआ, देखते हैं एक बार, थोड़ा और कम कर लेते हैं, और 20 करके और करके 20 राइट, 20 उसके बाद फिर 20 कर दे रहे हैं, चलिए ठीक है 20 करके रन करते हैं और क्या होता है देखते हैं। 20 करने पे आएगा कि नहीं, इसको क्लोज करते हैं उसके बाद फिर रन करते हैं। आई थिंक सही दिख रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसका सिक्योर है नहीं है ना, सिक्योर करने के लिए क्या कर सकते हैं इसका, अब मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लाइब्रेरी को जो भी है विडजेट उसको कैसे फॉलो करते हैं राइट। तो हम लोग क्या करेंगे सिक्योर करने के लिए, एक अलग से है, देखते हैं क्या है सिक्योर का राइट। तो इसमें पासवर्ड है, विड्थ है, और कुछ डिफाइन करना है कि नहीं करना वो देख लेते हैं। हिंट टेस्ट में पासवर्ड दे दिए और विड्थ में दे दिए, उसके बाद साइज हिंट दे देते हैं, एक बार साइज हिंट एक्स कर देते हैं, साइज हिंट एक्स नॉन कर देते हैं, उसके बाद फिर फॉन्ट साइज तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है। पोजीशन जो है, पोजीशन हिंट जो है इसको भी हम लोग सेंटर में कर दे रहे हैं, सेंटर एक्स राइट, इसको .5 कर दे रहे हैं, और यही चीज़ हम लोग इसमें भी कर देंगे, इसमें भी कर देंगे, और यहाँ पे डन करके अब देख लेते हैं, ऑलमोस्ट हम लोग का काम हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसको सेंटर करने पे थोड़ा इसमें अंदर आ गया, और थोड़ा इसका अभी ये कर दे 30 करने पे सही दिखेगा थोड़ा। तो आप यहाँ से 30 कर सकते हैं, उसके बाद फिर रन करके देखिए, इसको क्लोज कर दे रहा हूँ मैं, अब यहाँ पे रन करने पे आपका जो है थोड़ा दिखेगा, सही दिखेगा राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके बीच में भी आप लोग एक लेबल बना सकते हैं राइट। तो लेबल हम लोग बना सकते हैं इसके अंदर, एक और लेबल रख सकते हैं बॉक्स लेआउट के बाद, MD लेबल करके है, यहाँ पे लेबल दे देंगे, टेक्स्ट जो है टेक्स्ट दे देंगे, लॉग इन है राइट, इसका पोजीशन हम लोग दे देंगे राइट, पोजीशन हिंट दे देते हैं, आधा जाना होगा सेंटर में होना चाहिए इसको भी, तो सेंटर एक्स करके .5 करने पे, और फॉन्ट साइज दे देते हैं कुछ, फॉन्ट साइज जो है 15 कर दे रहे हैं, एक बार देख लेते हैं कितना आता है, एक बार ट्राई करते हैं फिर से रन करने का। यहाँ पे देख सकते हैं ये डालने से ही आपका ये जो है इमेज जो है थोड़ा छोटा हो जा रहा है राइट, एक विडजेट है लेवल है उसका ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग इसको कैसे छोटा कर सकते हैं, ये MD है लेवल है राइट, इसको बेटर है कि मतलब हम लोग इस तरह से लेवल यूज कर सकते हैं, तो मैं सोचूंगा कि लेवल को हटा ही दे बेटर रहेगा, और हम लोग इसको
थोड़ा लुकिंग गुड लुकिंग यूआई करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दें, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। लॉगिन करके स्क्रीन है, तो आप लोग यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। अब बात आई सिक्योरिंग की, तो हम लोग सिक्योर कैसे कर सकते हैं पासवर्ड, राइट। तो पासवर्ड सिक्योर करने के लिए यहाँ पे सिक्योर करके आई थिंक प्रॉपर्टीज है, चेक करते हैं है कि नहीं, राइट, होना चाहिए। CCURE सिक्योर शो कर देते हैं, उसके बाद अब ट्राई करते हैं, राइट, एक बार ट्राई करते हैं, अभी भी नहीं हुआ, राइट। तो ऐसे हम लोग बात कर रहे थे कि कीवी का जो हम लोग कैसे पासवर्ड जो है, पासवर्ड फील्ड जो है, उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, राइट। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें पासवर्ड करके प्रॉपर्टीज ही है, तो हम लोग पासवर्ड प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं, पासवर्ड ट्रू कर देंगे, राइट। तो पासवर्ड ट्रू करने से हम लोग का पासवर्ड प्रॉपर्टीज आ जाएगा, और जो हम लोग लिखेंगे पासवर्ड फील्ड में उसमें वो जो डायरेक्टली दिखेगा नहीं, शो नहीं करेगा, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रन करते हैं एक बार फिर से, और मैं इसको ऐसे थोड़ा कर देता हूँ जिससे थोड़ा लुके इसको दिखे जगह मोबाइल ऐप, राइट। तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ भी टाइप करेंगे यहाँ पे, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ भी टाइप करेंगे, तो लॉगिन एंड पासवर्ड जैसा है, मतलब यूजर नेम पासवर्ड आराम से दिख रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो पासवर्ड जो है, हम लोग इसको सिक्योर कर दिए। जो बटन है, एक बढ़िया सा रिपल इफेक्ट यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को बटन पे, राइट। तो हम लोग इन दिस वे हम लोग ऐसा एप्लीकेशन, गुड एप्लीकेशन बना सकते हैं, बढ़िया सा एप्लीकेशन बना सकते हैं। अभी हमारे पास की के पास बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो हम लोग यूज़ करके बढ़िया गुड लुकिंग क्या कहते हैं यूआई बना सकते हैं एप्लीकेशन के लिए, राइट। तो गाइस मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि अगर जो आपने इस चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और बेल आइकन को प्लीज़ दबाना ना भूलिए, क्योंकि हम लोग मैं अभी बहुत सारा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, राइट। तो आप तक अपडेट जाते रहे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ पर आप तक यहाँ तक आप सीखे हैं, तो मतलब आपने किया ही होगा बढ़िया से, और इसको आप बढ़िया सा बनाइए, और UI इसमें ऐड करिए, और विजेट यूज कर सकते हैं इसमें, इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसको ऐड कर सकते हैं, राइट। तो मैं इसी को यहाँ तक रख रहा हूँ, अगले वीडियो मिलते हैं, कुछ नया चीज़ का इंप्लीमेंटेशन देखेंगे अगले वीडियो में इस सीरीज में, राइट। टिल दैट, बाय बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।